दोस्तों यहाँ एक लेडी जो कि अपने साथ काफी सारा कचरा लेकर आती है और वह उस सारे कचरे को वहाँ पास में पड़े कचरे में गेर देती है और इसके बाद वहाँ से जाने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति आता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह व्यक्ति वहाँ आस पास में पड़े प्लास्टिक को इकट्ठा कर रहा होता है। वह व्यक्ति वहाँ पास में पड़े कचरे को भी कलेक्ट करने लगता है, लेकिन दोस्त उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि अभी उसके साथ एक काफी बड़ी घटना होने वाली है। उस व्यक्ति को उस घटना के बारे में अंदाजा भी नहीं होगा। काफी समय बीत जाता है। वह व्यक्ति वहाँ कचरे में पड़े प्लास्टिक को ढूंढता और इसके बाद उस प्लास्टिक को एक कट्टे में कलेक्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों जब काफी समय बीत जाता है तो वह उस लड़की द्वारा फेंके गए कचरे को उठाकर देखने लगता है। वह व्यक्ति उस थैले में भरे सारे कचरे को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वह उस सारे कचरे को बाहर निकालता है तो पता चलता है कि उसमें काफी सारे पैसे होते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वह जल्दी से वहाँ पड़े पैसों को कलेक्ट करने लगता है। दोस्तों वह इतने सारे पैसे होते हैं कि अब वह व्यक्ति अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है। वह व्यक्ति जल्दी से वहाँ इधर उधर देखता है कि वहाँ पर कोई और तो नहीं है, वहाँ पर कोई और नहीं होता, जिसके बाद वह व्यक्ति जल्दी से सारे पैसों को उठाकर उन्हें कट्टे में भरने लगता है। उन पैसों के मिल जाने पर वह व्यक्ति काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज तक उसने जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। वह व्यक्ति उस जगह पर अच्छे से पैसों को ढूंढता है और उन सारे पैसों को अपने कट्टे में रख कर वहाँ से जाने लगता है और दूसरी जगहों पर पड़े कूड़े में से प्लास्टिक को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन दोस्तों इतने में तभी वह लेडी जो थोड़ी देर पहले वहाँ पर कूड़ा डालकर गई थी, वह अपने पति के साथ वहाँ पर आती है। उस महिला का पति उस लेडी से काफी ज्यादा झगड़ रहा होता है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लेडी को यह पता नहीं होता कि जो कचरा वह वहाँ गेर कर गई है उसमें काफी सारे पैसे भी थे और इसी बात के लिए वह व्यक्ति अपनी पत्नी से काफी ज्यादा झगड़ रहा था। वे दोनों कपल उस कचरे में अपने पैसों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं दिखता क्योंकि वे सारे पैसे तो उस दूसरे व्यक्ति ने उठा लिए थे। वह महिला अपने पति से कहती है कि उसने वह कचरा वहीं पर गेरा था और वे पैसे यहीं पर होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों जब काफी समय बीत जाता है तो वह कूड़ा बींद रहा व्यक्ति उस कपल के पास आता है। वह कपल आपस में काफी ज्यादा झगड़ रहे थे। ये सारी घटना देखने के बाद वह व्यक्ति उस कपल के पास आकर घटना के बारे में पता करता है, लेकिन उस महिला का पति उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ से नहीं जाता और थोड़ी देर बाद वह समझ जाता है कि वे दोनों कपल किस लिए लड़ रहे हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति अपना कट्टा नीचे उतारता है और उसमें से पैसे निकालने लगता है और इसके बाद वह उन पैसों को उस कपल को दिखाने लगता है और वह अपने कट्टे में से पैसे निकालने लगता है। उन सारे पैसों को निकालने के बाद वह व्यक्ति उस कपल को भी पैसे देने लगता है, जिसके बाद उस महिला का पति उन पैसों को देख कर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उस महिला का पति जल्दी से उस व्यक्ति के कट्टे में से सारे पैसे निकालने लगता है। वह व्यक्ति भी ईमानदारी से उन पैसों को उस कपल को वापस करने लगता है। सारे पैसे मिलने के बाद वह लेडी उस व्यक्ति का काफी ज्यादा धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर आज वे पैसे नहीं मिलते तो उस महिला का पति उसे काफी ज्यादा डांटता। वह व्यक्ति जल्दी से उस व्यक्ति का कट्टा चेक करता है और उस कट्टे में से पैसे निकालने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति जल्दी से कट्टे का सारा सामान बाहर निकालता है और उसमें निकले और सारे पैसों को कलेक्ट करता है। दोस्तों चाहता तो वह व्यक्ति उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाता और वह अपनी जिंदगी आराम से जीता, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता और वह पूरी ईमानदारी के साथ वह उन सारे पैसों को उस कपल को लौटा देता है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होना चाहिए। वह लेडी उस व्यक्ति की इस ईमानदारी से काफी ज्यादा खुश होती है और वह अपने पति से कुछ पैसे लेकर उस व्यक्ति को दे देती है। खैर दोस्तों आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।